हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एसी सर्किट विथ रेसिस्टेंस एंड इंडक्टेंस इन सीरीज़। यानी कि आज हम लोग ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसमें हम क्या करेंगे, एसी सर्किट में रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस को एक सीरीज़ में ऐड करेंगे और हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका जो कंबाइंड रेसिस्टेंस है वो कितना होगा और इसका जो फेज डिफरेंस है वो फेज डिफरेंस कितना आएगा, यानी कि करंट और जो ईएमएफ है दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना आएगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले, शुरू करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें और इसी तरह हमारा साथ देते रहें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले अगर आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह एक रेसिस्टेंस है जिसमें कि रेसिस्टेंस में ईएमएफ और करंट का जो फेज डिफरेंस है वो सेम है, यानी कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का फेज डिफरेंस जीरो बोल सकते हैं क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक ही है। जबकि इंडक्टेंस में यानी इंडक्टर में ईएमएफ और करंट का फेज डिफरेंस पाई बाई टू है, यानी कि 90 डिग्री है दोनों एक दूसरे के। अगर हम इसी को एक छोटा सा ग्राफ में ड्रॉ करें तो हम लोगों को मिलेगा कि इसमें सिर्फ ईएमएफ को लें तो ये है वी आर यानी ये वाला, और ये परपेंडिकुलर ये क्या है वी एल, यानी कि रिजल्टेंट जो ईएमएफ आने वाला है कुछ इधर आएगा, रिजल्टेंट ई आर बोल दिए इसको। अगर इसका कंपोनेंट हम लोग देखें तो ये इसके परपेंडिकुलर यानी कि ये वी एल का काम करेगा और ये वी आर तो है ही। अब हम लोग यहाँ एंगल ले लेते हैं फाई। अच्छा, ये फाई हम लोग इसलिए लिए ताकि हम लोगों को ये पता चले, चूँकि यही डायरेक्शन करंट का भी तो है, करंट और रिजल्टेंट ईएमएफ के बीच का फेज। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग, चूँकि आपको पता होगा कि ईएमएफ जो है वो स्केलर क्वांटिटी है तो हम लोगों को यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल से बनाना होगा। अगर आप देखें तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ओ ए बी एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एंगल भी राइट एंगल फॉर्म करता है। तो यहाँ से हम राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि जो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो वी नो दैट बेस इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेनस इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनस, ये जो हाइपोटेनस है हाइपोटेनस इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ये जो है बेस कितना है वी आर, ये हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि अगर यहाँ से हम लोग वी आर निकालना चाहते हैं, ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं, ओम्स लॉ में क्या होता है वी इक्वल टू आई आर करंट इनटू रेसिस्टेंस। अगर हम लोग वी आर चाहें तो इसमें करंट क्या मान लेते हैं, पीक करंट है आई नोट, तो क्या होगा आई नोट इंटू आर। और वी एल अगर हम लोग निकालना चाहें, करंट तो वही होगा, सीरीज में करंट सेम रहता है, रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा एक्स एल। वो पता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस और ये खुद रेसिस्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है इंडक्टर में रेसिस्टेंस के तरह वर्क करता है। तो हम लोग यहाँ वैल्यू रख देते हैं ई आर, चूँकि करंट अपना स्टैंडर्ड है, ई आर यानी कि रिजल्टेंट जो ई एम एफ होगा वो क्या होगा पीक ई एम एफ होगा, यानी ई एम एफ का पीक वैल्यू होगा। और वी एल, वी एल अपना कितना है, वी एल अभी तुरंत हम लोग निकाले हैं आई नोट एक्स एल और इसमें स्क्वायर दे देंगे, और उसके बाद वी आर आई नोट आर का स्क्वायर, आई नोट आर का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा आई नोट स्क्वायर एक्स एल स्क्वायर प्लस आई नोट स्क्वायर आर स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे, आई नोट को कॉमन ले लेंगे, आई नोट स्क्वायर को, यहाँ से बचेगा एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आई नोट स्क्वायर को बाहर करेंगे तो आई नोट बाहर होगा, बचेगा एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू ई नोट, यही है ई नोट। ठीक है,
तो ई नोट इज इक्वल टू आई नोट। अब जी ये रिजल्टेंट यानी इफेक्टिव रेसिस्टेंस है, यही अपना इफेक्टिव रेसिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। तो इसको हम लोग आई नोट इज इक्वल टू, आपको पता है इसका नाम हम लोग रखते हैं जेड, जेड इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं हम लोग इम्पीडेंस, इम्पीडेंस। इफेक्टिव रेसिस्टेंस का ही दूसरा नाम इम्पीडेंस होता है। अब ये जो इम्पीडेंस है इसमें, इसके थ्रू अगर हम लोग करंट निकालें तो ई नोट अपॉन जेड दैट इज इक्वल टू आई नोट। आई नोट यानी कि पीक करंट, पीक वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस मिल चुका है। अगर हम लोग यहाँ से जाने आई आर एम एस भी देखेंगे तो ई आर एम एस अपॉन जेड ये भी कह सकते हैं। तो हम लोगों को इस टॉपिक में जानना था कि इम्पीडेंस, और दूसरा ये जानना था फेज डिफरेंस। यहाँ से हम लोग फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं रिजल्टेंट ई एम एफ और करंट के बीच, यही है करंट इसी लाइन में है, रिजल्टेंट ई एम एफ यहाँ। तो यहाँ से अगर हम लोग फेज डिफरेंस निकालें इसके लिए हम लोगों को लगाना होगा टेन फाई। टेन फाई इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, टेन फाई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो वी एल अपॉन बेस है वी आर, वी एल दैट इज इक्वल टू आई नोट इन टू एक्स एल, यानी करंट वोल्टेज ऑफ किसका है इंडक्टर का, करंट इंटू रेसिस्टेंस अपॉन यहाँ भी करंट इंटू रेसिस्टेंस, आई नोट से आई नोट गया। टेन फाई का जो वैल्यू आया है क्या आया, एक्स एल अपॉन आर, एक्स एल का वैल्यू कितना है ओमेगा एल अपॉन आर, दैट इज फाई इज इक्वल टू आ गया टेन इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर। यहाँ से हम लोगों को फेज डिफरेंस मिल चुका है, हम लोगों की फेज डिफरेंस पता चल गया है, रिजल्टेंट ईएमएफ और करंट के बीच का फेज डिफरेंस कितना है। और हम लोग लास्ट में ये एक बात और जानना है हम लोगों को कि एक्स एल का वैल्यू कितना हो जाएगा ओमेगा इंटू एल, ये बात हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रूफ कर रखा है। अगर आपको नहीं पता तो इससे पहले वाले वीडियो को आप ज़रूर देखें, ठीक है। तो हम लोगों को केवल यही दोनों बात को जानना था कि इफेक्टिव रेसिस्टेंस जो है कितना आएगा, और फेज रिजल्टेंट ईएमएफ और करंट के बीच का जो फेज होगा वो कितना होगा। तो वो फेज इतना होगा फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर। और दूसरा इफेक्टिव रेसिस्टेंस को हम लोग इम्पीडेंस बोलते हैं, ये बात ध्यान में रखना है, और इम्पीडेंस को जेड से डिनोट करते हैं, ये पूरे को हम लोग जेड बोलते हैं, यानी कि हम लोग ऐसे बोल सकते हैं दैट इज जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर।